एक लड़का अपने दोस्तों के साथ नशे की हालत में एक फाइव स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाता है। वहां पर जाकर वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद एक लड़की वहां पर जो सफाई का काम कर रही थी वो वहां पर सफाई करने लगती है, और वह लड़की जैसे ही उस लड़के को देखती है तो एकदम से भौचक्की सी वहां पर खड़ी हो जाती है। उस लड़के की भी निगाहें उस लड़की से मिलती हैं, लेकिन वो लड़का फिलहाल नशे की हालत में था। उसके बाद वो लोग वहां से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह जब उस लड़के का नशा उतरता है तो उसे याद आता है कि रात को जो लड़की उस होटल में सफाई कर रही थी वो उसकी शक्ल को जानी पहचानी सी लग रही थी। इसके बाद वह लड़का अपने घर से 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके दोबारा से उसी होटल में आता है जहां पर उन लोगों ने रात में खाना खाया था, और वहां पर आकर उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। लेकिन होटल का मैनेजर उन्हें बताता है कि वो लड़की तो शाम को ही सफाई करने के लिए आती है और यहाँ पर वो सफाई का काम किया करती है। उसके बाद वह लड़का उस लड़की का एड्रेस पूछता है और उस एड्रेस को होटल वालों से लेकर उस लड़की के घर मिलने के लिए उससे जाने लगता है। दोस्तों, कौन था वह लड़का और कौन थी वह लड़की और किस वजह से वह उस लड़की को इतनी बेसब्री से ढूंढ रहा था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के एक छोटे से गाँव की। बिहार के एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है सुशील। सुशील जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है, उसका कोई भाई बहन नहीं है और अपने माँ बाप की वह अच्छी तरह से सेवा किया करता है। सुशील का ट्रांसपोर्ट का काम है और ट्रांसपोर्ट के काम से उसके घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। सुशील अब शादी के योग्य हो गया था तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। तो पास ही के गांव में उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम था अनन्या। अब अनन्या को सुशील के लिए पसंद कर लिया गया था और सुशील और अनन्या की शादी तय कर दी जाती है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ हो जाती है, और शादी होने के बाद अनन्या सुशील के घर में दुल्हन बनकर आती है। पूरा परिवार बड़ा ही खुश है क्योंकि उनके घर में एक नया सदस्य आ गया है और अब वो 3 से 4 हो गए हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ सब कुछ ठीक था। सुशील अनन्या से प्यार किया करता था, लेकिन अनन्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह घर के अंदर गुमसुम सी रहा करती और इस बात को जब सुशील उससे पूछा करता तो वह इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया करती। अब कुछ दिनों बाद सुशील को अपने ट्रांसपोर्ट के काम को लेकर बेंगलुरु जाना था और वहीं पर उसे 1 महीने तक टाइम व्यतीत करना था। अब इसके बाद सुशील अपने माता पिता के पास अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से बेंगलुरु चला जाता है अपने उस काम को करने के लिए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ सुशील को जाए हुए लगभग 10 से 15 दिन हो गए थे, और 10-15 दिन बाद ही सुशील के माता पिता का फोन उसके पास आता है और वह लोग उसे बताते हैं कि बेटा, तेरी पत्नी तो रूठकर मायके चली गई है। अब इस बात को जैसे सुशील सुनता है तो बड़ा ही परेशान होता है और फौरन बेंगलुरु से अपने काम को अधूरे में ही छोड़कर वहां से अपने उसी घर में आ जाता है जहां पर वो अपनी पत्नी को छोड़कर गया था। वहां आने के बाद वह घर वालों से बात करता है और बात करने के बाद उसे पता चलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जिस बात को लेकर उसकी पत्नी रूठकर मायके चली गई है। उसके बाद सुशील अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंच जाता है और वहां जाकर उससे कहने लगता है कि अनन्या, आखिर बात क्या हो गई जो तुम रूठकर यहां पर आ गई हो। इधर जो अनन्या थी वह सुशील से कहती है कि सुशील, तुम्हारा घर बहुत छोटा है और ऐसे गंदे से घर में मैं नहीं रह सकती। जबकि दोस्तों, सुशील का घर अच्छा खासा बना हुआ था और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अनन्या उस घर को बेकार बता रही थी। तो इसी वजह से सुशील उससे कहता है कि कोई बात नहीं, घर तो बन जाएगा, लेकिन तुम यहां पर ऐसे रूठ के मत रहो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन अनन्या सुशील के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हारा घर अच्छा रहेगा तो ही मैं तुम्हारे साथ आकर रहूंगी। इसके बाद सुशील अनन्या से कहता है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द कुछ पैसों का इंतजाम करता हूं, अच्छा खासा मेरा रोजगार चल रहा है, तो उसके बाद मैं जल्द से जल्द घर बनाऊंगा और घर बनाने के बाद तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। उसके बाद सुशील वापस अपने घर चला जाता है और अपने माँ बाप से विदा लेकर दोबारा से अपने बिजनेस पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक वो पैसों का इंतजाम करता है और पैसों का इंतजाम करने के बाद वहां से वापस अपने गांव आ जाता है अपने घर को और भी बड़ा बनाने के लिए। इस घर को बनाने में उसे 1 साल बीत जाता है और 1 साल तक ना तो उसकी पत्नी का फोन कभी उसके पास आया था, और जब सुशील फोन किया करता था तो उधर से अनन्या फोन नहीं उठाया करती थी। घर बनकर कंप्लीट हो गया था। अब जैसे ही उसका घर बनकर कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद दोबारा से वह अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल चला जाता है, और वहां जाने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गांव के ही किसी लड़के के साथ भाग गई है और वो घर से ढेर सारे रुपये, पैसे और जेवरात लेकर भागी है। अब इस बात को सुनने के बाद सुशील एकदम से टूट जाता है और इस बात को अपने दिमाग में सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। सुशील अपना मायूसा चेहरा लेकर वापस अपने घर आ जाता है और अपने माता
पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद उसके माता पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी के आचार विचार पहले से ही ऐसे लग रहे थे कि वो घर को बसाएगी ही नहीं। इसके बाद जो सुशील है वो अपनी पत्नी के गम से निकलने के लिए दोबारा से अपने बिजनेस को अच्छी तरह से करने लगता है और दिन रात एक करके अपने बिजनेस में मेहनत करने लगता है, क्योंकि अभी अभी उसने घर बनाया है तो घर बनाने के लिए उसने इधर उधर से कुछ पैसे ले लिए थे। उन पैसों को पटाने के लिए वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करता है और मेहनत करते हुए उसे 2 साल बीत जाते हैं। अब 2 साल उसको मेहनत करते हुए बीत गए थे और उसे अपनी पत्नी की याद भी आती है, और इन 2 सालों के दौरान उसके माता पिता ने कई बार उससे शादी करने के लिए कहा है, लेकिन वो शादी करने से मना कर देता है। कहता है कि माँ बाबूजी मैं अभी शादी नहीं करूंगा, अभी शादी करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। 2 साल बाद सुशील एक दिन किसी काम से अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर एक शहर था, उस शहर में किसी काम के लिए गया था। वहां पर उसे किसी ट्रांसपोर्टर से मिलना था। अब ट्रांसपोर्टर से मिलने के बाद वो और उसके दोस्त एक जगह पर जाकर ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाया जाए, तो इसीलिए वो सभी दोस्त मिलकर एक 5-स्टार होटल में चले जाते हैं और वहां जाकर खाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। सभी लोग नशे में थे और उनका खाना आ जाता है और वो खाना खाने लगते हैं। सुशील वहां पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी वहां पर उस होटल के अंदर एक लड़की आती है जो वहां पर सफाई का काम कर रही थी, और वह सफाई करते हुए एकदम जैसे सुशील को देखती है तो सुशील की तरफ ऐसे ही देखती रह जाती है। दोस्तों वह लड़की और कोई नहीं, वही अनन्या थी जो सुशील को छोड़कर किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। अब उसको सुशील भी देखता है, लेकिन सुशील फिलहाल शराब के नशे में था और वह ज्यादा गौर इस बात पर नहीं देता है, अपने खाने को खाता है। और खाना खाने के बाद सभी दोस्त मिलकर वहां से निकल आते हैं। इधर जो उसकी पत्नी थी जो कि अब होटल में सफाई का काम किया करती थी, वह भी अपने सफाई के काम में व्यस्त हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद इसने जानबूझकर ऐसा किया है और ये मुझसे कुछ बात ही नहीं करना चाहता। इसके बाद सुशील और उसके दोस्त वापस से बेंगलुरु आ जाते हैं, और बेंगलुरु वापस आने के बाद सुशील अपने किराए के फ्लैट में आराम करने लगता है। धीरे धीरे सुबह होती है, और सुबह जैसे ही होती है तो सुशील का सारा नशा उतरता है। नशा उतरने के बाद सुशील को बार बार वो चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था जो रात को नशे की हालत में उसने देखा था, तो वह अपने दिमाग पर जोर डालता है, और जोर डालने के बाद उसे पता चलता है कि शायद अपनी पत्नी को मैंने उस होटल में झाड़ू पोछा करते हुए देखा था। अब इसके बाद सुशील से रहा नहीं जाता है और वह फौरन से अपनी कार उठाता है और सीधा उसी 5-स्टार होटल पर पहुंच जाता है जहां पर शाम को उन दोस्तों ने शराब पीकर खाना खाया था। वहां पर जाने के बाद वह होटल के मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। वह बताता है कि शाम को हम यहां पर आए थे और यहां पर एक लड़की साफ सफाई का काम कर रही थी। कौन थी वह लड़की और क्या नाम था उसका? उसके बाद होटल वाले उसे उसका नाम बताते हैं, और जैसे वो नाम को सुनता है तो एकदम से उसे पहचान लेता है कि यह तो मेरी वही पत्नी है जो मुझे छोड़कर उस लड़के के साथ भाग गई थी। इसके बाद वह मैनेजर से उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन मैनेजर के पास उसका एड्रेस नहीं था। तभी वो मैनेजर उससे कहता है कि शायद उसके साथ की जो सफाई कर्मचारी है जो दिन के समय में ड्यूटी करती है उसके पास उसका एड्रेस होगा। उसके बाद सुशील उस सफाई कर्मचारी से उसका एड्रेस लेता है, एड्रेस मिल जाता है, और एड्रेस को लेने के बाद उस एड्रेस पर सुशील पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद सुशील देखता है कि एक झोपड़पट्टी है, और झोपड़पट्टी के अंदर एक झोपड़े के अंदर उसकी वही पत्नी रहा करती है जो कभी उसे किसी और लड़के के लिए छोड़कर चली गई थी। अब उस झुग्गी के अंदर जैसे सुशील जाता है तो वहां पर उसकी पत्नी उसे बैठी हुई मिल जाती है, और जैसे उसकी पत्नी सुशील को देखती है तो देखती एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। अब सुशील उसे खड़ा होकर रोता हुआ देखता है और उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। आखिर ये किसी लड़के के साथ भागी थी तो यहां पर इसका परिवार क्यों नहीं है, और अगर कोई लड़का इसे प्यार करके ले गया था तो आज इसकी हालत ऐसी कैसे है। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे उठाकर वहीं पर एक बिस्तर लगा हुआ था उस बिस्तर पर बैठाता है और उसे शांत कराता है, और शांत होने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि अनन्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और कहाँ है वो लड़का जिसके साथ तुम भागकर आई थी, और ये तुम्हारा घर तो बड़ा ही आलीशान है, इसके सामने तो मेरा घर कुछ भी नहीं था। अब इस बात को जैसे अनन्या सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि सुशील किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अनन्या उसके घर को छोटा कहकर वहां से भागकर आई थी और आज वो एक झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। इसके बाद अनन्या की आंखों से फिर से एक बार आंसू आने लगते हैं और वह रोते हुए सुशील से माफी मांगने लगती है, कहती है कि सुशील मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार की कभी कदर ही नहीं की। इसके बाद
जो सुशील है वो अपने सवालों के जवाब चाहता है। वह जानना चाहता है अनन्या के बारे में कि अनन्या यहाँ पर क्या कर रही है और कहाँ है उसका वो प्रेमी जो इसे भगाकर लेकर आया था। तो वह अनन्या को चुप कराता है और उससे पूछने लगता है कि अनन्या ये बताओ कि तुम्हारा वो प्रेमी कहाँ है और तुम इस झोपड़े में क्या कर रही हो। उसके बाद अनन्या अपनी पूरी कहानी सुशील को बताने लगती है। वह कहती है कि शादी के बाद जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के साथ रहा करती थी तो उसके बाद गाँव के ही एक लड़के से मेरी बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में हम दोनों को प्यार हो जाता है और उस लड़के ने मुझसे प्यार के वादे किए और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आलीशान जिंदगी दूंगा और मेरा शहर के अंदर बहुत ही अच्छा रोजगार है, हम लोग वहीं पर एक साथ रहेंगे और तू मेरे साथ भाग चल। इसके बाद मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और मैं घर से कुछ जेवर और पैसे लेकर उसके साथ भाग कर चली गई। वह मुझे भगाकर इसी शहर में ले आया था जहां पर मैं फिलहाल काम किया करती हूं और यहां के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही हम लोग उतरते हैं तो उतरने के बाद वो बैग को अपने हाथ में लेकर भीड़ में मुझसे कहीं गायब हो गया था। मैंने काफी देर तक उसका स्टेशन पर इंतजार किया था लेकिन उसके बाद मुझे पता चल गया कि यह मुझे धोखा देकर मेरे सारे सामान को लेकर यहां से भाग चुका है। अब इसके बाद मैं घर वालों के पास भी नहीं जा सकती थी और तुम्हारे पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मैंने गांव में अपनी सहेली के पास फोन किया था और उसने मुझे बताया था कि गांव के अंदर यह खबर फैल चुकी है कि तू किसी लड़के के साथ भाग गई है और अपने घर से ढेर सारे जेवर और रुपए पैसे लेकर भागी है। अब मैं घर वालों के पास जाती भी तो किस मुंह से जाती और इसी वजह से मैं अभी शहर के अंदर इसी झुग्गी में रहा करती हूँ और सुबह के समय में बड़े बड़े घरों में काम किया करती हूँ, उनका झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह धो दिया करती हूँ और शाम के समय मैं उस होटल में जाकर काम किया करती हूँ। इससे मेरी इतनी आमदनी हो जाती है कि मेरा गुजर बसर अच्छी तरह से हो रहा है। अब इसके बाद सुशील उससे पूछता है कि कल शाम को मैंने तुम्हें उस होटल में देखा था तो तुमने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसके बाद सुशील की पत्नी बताती है कि वहां पर मैं तुमसे बात कैसे कर पाती, एक तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त थे और साथ में मैं वहां पर झाड़ू पोछे का काम कर रही थी, मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी था लेकिन तुमने उस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और मैं सोच रही थी कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। उसके बाद सुशील उसे बताता है कि शाम को तो मैं नशे की हालत में था लेकिन सुबह सुबह जैसे ही मेरा नशा उतरता है तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि होटल के अंदर जो सफाई करने वाली लड़की थी वह तो मेरी वही पत्नी थी जो मुझे छोड़कर भाग गई थी और मेरे दिमाग में ये ढेर सारे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब अभी तुमने मुझे दिया है और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। ऐसा कहकर सुनील वहां से चलने लगता है, कहता है कि ठीक है अब तुम अच्छी तरह से रहो, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। अब जैसे ही जाने वाला होता है तो एकदम से उसकी पत्नी उसके पैरों को पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है कि सुनील मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है और मुझे एक बार फिर से अपना लो। अब इसके बाद सुनील अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब जैसे उसकी पत्नी इस बात को सुनती है तो वो सोचती है कि हो सकता है कि 2 साल के अंदर इसने दूसरी शादी कर ली हो, तो वो उससे कहती है कि मुझे तुम अपने घर पे अपनी नौकरानी बनाकर रख लेना, मैं तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा कर दिया करूंगी और मुझे खाने के लिए 2 रोटी दे देना, मैं ऐसे ही तुम्हारे घर में रह लूंगी, बस तुम मुझे माफ कर दो। अब उसके बाद सुनील अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा लेकिन उससे पहले मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी, क्योंकि दोस्तों जैसे सुनील की पत्नी उस लड़के के साथ भागी थी तो इस बात का सबसे ज्यादा दुख उसके माता पिता को था। वो अपनी किस्मत को कोसते रहते थे कि हमारी किस्मत ऐसी है कि हमने अपने बेटे के लिए जो लड़की ढूंढी वो तो हमारे बेटे को छोड़कर ही भाग गई। उसके बाद वह अपने माता पिता से बात करता है और बात करने के बाद उन्हें बताता है कि माँ बाबूजी मेरी पत्नी दोबारा से मिल गई है, वह होटल के अंदर झाड़ू पोछा किया करती है और एक झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहा करती है और वह मुझसे कह रही है कि मुझे माफ कर दो और मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए रख लो। उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि वो लड़का कहाँ है जिस लड़के के साथ वो भाग कर गई थी। उसके बाद जो सुशील है पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाता है और कहता है कि ऐसा कह रही है और फूट फूट कर मेरे सामने रो रही है और मुझसे माफी मांग रही है। अब घर वाले जैसे इस बात को सुनते हैं तो वे फैसला लेते हैं कि कोई बात नहीं बेटा तुम इसे माफ कर दो और दोबारा से अपना लो। अब जैसे ही सुशील इस बात को सुनता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ठीक है तुम्हें मेरे घर में काम करना पड़ेगा और इसके बाद तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी जैसा तुमने अब मेरे साथ किया था। इसके बाद सुशील अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है, उसे कार में बैठाता है और कार में बैठाने के बाद अपने उसी किराए के फ्लैट पर चला जाता है जहां पर वो रहा करता था। अपने माता पिता को फोन करता है और फोन करने के बाद उन्हें भी वहीं पर बुला लेता है और वहां आने के बाद सभी परिवार वाले एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। सुशील अब बेंगलुरु के अंदर ही एक जगह खरीदता है और उस पर अपना मकान बनाता है और उस मकान के अंदर अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ रहा करता है। वह गाँव में जाना तो चाहता है लेकिन गाँव में वह इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसकी
पत्नी की ये बात चारों तरफ फैल गई थी और लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ जो सुशील की पत्नी थी वह घर के अंदर बड़ी अच्छी तरह से रहा करती है, उसके माता पिता की देखभाल किया करती है और अपने पति से ढेर सारा प्यार किया करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसे पति पत्नी की जिसमें पत्नी ने अपने पति में दोष लगाया और दोष लगाने के बाद किसी और लड़के के साथ भाग गई, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दिया। आप क्या कहना चाहते हो सुशील के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उसकी पत्नी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में जो सुशील की पत्नी ने किया था वो उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अपने पति से ही प्यार करना चाहिए था और जो काम उसने किया उस काम का दंड उसे भुगतना पड़ा। 2 साल तक उसे इधर उधर ऐसे ही भटकना पड़ा और एक गंदी सी झुग्गी झोपड़ी में उसे रहना पड़ा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।